गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे व्यू देखें तो आप समझ गए होंगे और टाइटल भी आपने देख लिया है। राजमंदिर सिनेमा 1976 में बना ये सिनेमा, जयपुर का एक फेमस सिनेमा, उसी के बाहर अभी मैं हूँ और ये इसके बाहर का व्यू है। पीछे मेरे आप देखें तो 5 बत्ती का व्यू आपको दिख रहा है और इधर घुमा के मैं दिखाऊँ पूरा, तो ये पूरा सामने का नज़ारा है। राजमंदिर के सामने पूरी रोड चलती हुई। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि हम इसको यहाँ से शुरू करके जयपुर देखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा, ऐसा मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजमंदिर सिनेमा जिसमें अभी लाल सिंह चड्ढा मूवी लगी हुई है, कोई बोलता है फ्लॉप है, तो आमिर खान का बहुत सारा नुकसान हुआ, जो भी है। तो अभी हम यहाँ से ये ब्लॉग शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ, ये राजमंदिर सिनेमा जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे जो 5 बत्ती आपको दिख रही है MI रोड, वहाँ से लेफ्ट चलते हुए और हम इस पूरे व्यू को देखते हुए आगे हम अल्बर्ट हॉल तक जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ का नज़ारा, यहाँ के व्यू को देख लें। ये सामने का, बिल्कुल इसके सामने जो है ये गुलाब चंद सामने, और इधर हम घूम के देखें तो ये पूरा यहाँ पर पाव भाजी वगैरह, ये पंडित पाव भाजी जो बिल्कुल राजमंदिर के पास में ही है, और इसके साथ में लस्सी, फलूदा, कुल्फी, मोमो, इडली, सांभर सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, और ये सामने का व्यू है। तो आइए आगे चलते हैं। और ये राजमंदिर सिनेमा के पास 5 बत्ती सिग्नल, यहाँ से हमें राइट में निकलना है, और ये यहाँ का पूरा व्यू है, और ये इधर राजमंदिर सिनेमा है। आइए और आगे चलते हैं। और ये 5 बत्ती के अंदर का व्यू, यदि 5 बत्ती से आगे निकलते हैं MI रोड पे, तो ये आगे का व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। और ये आगे झंडा ऊंचा रहे हमारा, अभी अभी 15 अगस्त गई है, आगे 17 अगस्त है, और ये यहाँ का व्यू है। ये यहाँ नटराज वेज रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान, ये पूरा MI रोड का व्यू। और ये सामने की तरफ देखें तो यहाँ का फेमस लस्सी वाला, ये आप देखें, ये लस्सी वाला की दुकान है। और इधर घूम के देखें तो ये पूरा यहाँ का MI रोड का व्यू है। और ये आपके सामने MI रोड का व्यू, लस्सी वाले से थोड़ा आगे चलते ही ये सब दुकानें, यहाँ पर आपको ज़्यादातर गोल्ड की दुकानें, जैसे ये JK मौसून एंड सेंस ज्वेलरी, सिल्वर सेल, आगे नीचे MB सेंस, और इस तरह से ये पूरा आगे पूरा मार्केट है MI रोड का। आइए और आगे चलते हैं। और ये आगे थोड़ा चलते ही आगे का व्यू, और ये यहाँ पर भैया भेलपुरी क्या क्या बेच रहे हैं, भेलपुरी, दही पतासी, पानी पूरी, ये ठेले आपको ऐसे जगह जगह मिल जाते हैं जयपुर में, जो खाने पीने की चीज़ें रोड साइड में बेचते हैं। अभी आया है शायद, ये धूप बत्ती कर रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। और ये हमारे रोड का नज़ारा, खंडा का सन्स ज्वेलर्स, आगे महावीर टावर, और ऐसे ही एडिडास और रेमंड के ये शोरूम है सामने, आगे पूरा मार्केट। आइए और आगे चलते हैं। और ये राजस्थान हैंडलूम, आगे अराजतली, ये आपको यहाँ मिल जाता है। ये अजमेरी गेट पे हम आप पहुँच गए हैं, ये सामने आपको बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है, छोटी चौपट, किशनपोल, सीधा आगरा, सांगानेर गेट, टोंक रोड और SMS हॉस्पिटल, और ये सामने आपको
अजमेरी गेट का व्यू दिख रहा है बाहर से, MI रोड से, और ये सामने का पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे अजमेरी गेट का बाहर से MI रोड से व्यू। ये MI रोड इधर से आ रही है जिधर से हम आए हैं, और ये आगे सीधा यदि निकलती है तो आगरा रोड पर तो जाके मिलती है ट्रांसपोर्ट नगर पे, और अंदर जाते हैं तो ये छोटी चौपड़ को, और आगे फिर पुराना जो जयपुर है मार्केट है उसमें जाती है। तो आइए और आगे चलते हैं। और ये अजमेरी गेट से आगे निकलते हैं, यादगार पुलिस का कार्यालय, पुलिस का कंट्रोल रूम भी बोल सकते हैं इसे, जो MI रोड के ऊपर है। और ये सामने का पूरा व्यू है, यहाँ एक पेट्रोल पंप है, और ये रामा कोल्ड ड्रिंक वाले भी हैं यहाँ पर, जो जूस तरह तरह के जूस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन से। और ये इसके साथ जूस वाले के साथ ही एक बड़ा सा मस्जिद हैजम रोशन अजमेरी गेट, काफ़ी पुराना काफ़ी बड़ा मस्जिद। और ये MI रोड का व्यू, और ये सामने अजमेरी गेट, और ये सामने यादगार। आइए और आगे चलते हैं। और ये यादगार से आगे निकलते हैं GTC बिल्डिंग, जिसमें इंडसलैंड बैंक भी है। और ये सामने MI रोड का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया सभा भवन, राजस्थान चैम्बर, बड़ा बिल्डिंग जिसमें पंजाब नेशनल का भी बड़ा ब्रांच है। और ये सामने का MI रोड का व्यू है, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर श्री तत्काल भैरव जी का मंदिर, इसी MI रोड के ऊपर, ये बाहर का व्यू है। और ये सामने सिग्नल, जो न्यू गेट के सामने सिग्नल है MI रोड पे, इससे यदि हम लेफ्ट में जाते हैं तो न्यू गेट है, और यदि राइट में निकलते हैं तो ये गेट बने हुए हैं, तो ये अल्बर्ट हॉल को जाता है, हम इसी पे चलना आगे। आइए आगे चलते हैं। और इस रोड से हम अंदर आए हैं, ये सामने आप देखेंगे तो न्यू गेट है MI रोड के ऊपर, सिटी के अंदर जाने के लिए। और इस गेट से हम इसी रोड से अंदर आए हैं, तो ये सामने इसके पार्क है, ये पूरा रामनिवास गार्डन का व्यू है। और सामने यदि इधर इधर भी देखें हम, ये रामनिवास गार्डन का व्यू है, और सामने रामनिवास पार्किंग भी है अंडरग्राउंड और ऊपर, ये बड़ा इलाका। और इसी में सामने यदि हम देखें तो आपको अल्बर्ट हॉल का व्यू मिल जाता है यहाँ से। आइए और नज़दीक चलते हैं। और ये अल्बर्ट हॉल के सामने स्वाई मान सिंह का स्टैचू है, स्वाई मान सिंह जिन्होंने जयपुर पे राज किया था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो राजस्थान में जयपुर में इन्हीं का राज था, ये जयपुर के राजा थे उस टाइम 1947 में। और ये इनका यहाँ पर स्टैचू अल्बर्ट हॉल के सामने ही इस राउंड बोर्ड के अंदर बना हुआ है, और ये पूरा यहाँ का ट्रैफिक है। आइए और आगे चलते हैं। और ये स्वाई मान सिंह सर्किल से आगे निकलते ही अल्बर्ट हॉल का व्यू आपके सामने, आइए और आगे चलते हैं। और ये आपके सामने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और ये इसके सामने का पूरा व्यू। बारिश कभी भी आ सकता है, बारिश का मौसम है। और ये देखिए भैया यहाँ पर चाट वाले नमकीन, श्याम नमकीन, जो आपको ऐसी ठेलियाँ आपको मिल जाती हैं खाने पीने की। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।